हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा नाम सुनील कुमार है और ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये वीडियो इन हिंदी में उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको जानना है कि हाउ अ टिपिकल लाइफ ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट लुक्स लाइक, कि डेटा साइंटिस्ट का काम कैसे होता है जब वैन वैन दे एंटर टू द कंपनी, तो कंपनी में उनका काम कैसे होता है, क्या वो कर क्या क्या वो चीज़ें करते हैं सुबह से शाम तक। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो हाउ लाइफ ऑफ अ टिपिकल डेटा साइंटिस्ट लुक्स। तो स्टार्टिंग विद दी सिंस आई एम अ डेटा साइंटिस्ट एंड आई वर्क अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ और मैं फ्रैक्टल एनालिटिक के साथ काम कर चुका हूँ और नियो स्टेट्स एनालिटिक के साथ काम कर चुका हूँ। जब मैं डेटा साइंटिस्ट था उस टाइम पे किस किस तरह की ये जो मेरी रूटीन हुआ करती थी वो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। जब फ्रैक्टल में हुआ करता था स्टार्टिंग फ्रॉम दी 8 o'clock, तो 8 बजे जो है मेरा लॉग इन होता था। तो लॉग इन होने के बाद आई यूज़ टू वर्क ऑन सम ऑफ द टास्क दैट जो पिछले कल दिया होता था काम, उस पर मैं काम करना शुरू कर देता था। और जैसे मैं उस पर काम करना शुरू कर देता था चलते चलते 11 बज जाते थे। 11 बजे हमारी एक इंटरनल मीटिंग होती थी जिसमें हम डिस्कस करते थे कि पिछले कल का कितना प्रोग्रेस है, क्या क्या काम किया है और हमें अगले 1-2 दिन के लिए क्या काम करना चाहिए और आज का क्या स्कोप है काम करने का। ये हमारा अगर मैं पहली वीडियो की बात करूं कि जब से सबसे पहले मैंने एज अ डेटा साइंटिस्ट ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे पहली मीटिंग में हम डिस्कस कर रहे थे रोड मैप एंटायर प्रोजेक्ट का, क्योंकि मुझे टाइम सीरीज के एक प्रोजेक्ट में डाला गया था एज अ डेटा साइंटिस्ट ग्रेड 8 का। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि सो का स्टेटमेंट ऑफ वर्क बोलते हैं, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कितने टाइम में हमें ये कंप्लीट करना है, कितने ड्यूरेशन का ये प्रोजेक्ट है और किस किस टाइम पे हमें क्या क्या स्टेप्स करने हैं। फॉर एग्जांपल कि हमें यूनिवेरिएट एनालिसिस पहले 2 दिन में करनी है, उसके बाद फीचर सिलेक्शन करना है, उसके बाद बेस लाइन सिलेक्शन करना है, उसके बाद मान के चलिए मल्टी वेरिएट एनालिसिस का सिलेक्शन करना है, और उसके बाद ये सब करने के बाद हमें मॉडल इवेल्युएशन करना है और फ्यूचर एक्सट्रैक्शन करना है, या दूसरी कम्युनिटी पे ये करना है या तीसरी कम्युनिटी पे करना है, जो भी एक्सपेरिमेंटेशन करने हैं इस दिन से इस दिन तक करने हैं और 80% हमें इस दिन में करना है कंप्लीट। सो ये मेरा पहला डिस्कशन हुआ करता था। तो उसके बाद जैसे ये डिस्कशन होता था तो हर तीसरे दिन मेरा क्लाइंट के साथ मीटिंग होता था। तो क्लाइंट के साथ जो हमने डिसाइड किया है उसको प्रेजेंट करना होता है कि यहाँ पे हमने ये डिसाइड करवाया भाई और यहाँ से हमें ये इतने दिन में हम ये सब करने वाले हैं और अभी आपकी मंजूरी क्या है, आपका अप्रूवल चाहिए, ये हम मॉडल यूज़ करने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई मॉडल नहीं यूज़ करना है तो क्यों नहीं करना चाहिए, तो आई मीन अगर उन वो हमें क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपने ये यूज़ किया है, ये आप यूज़ करना चाहते हो तो इसके पीछे क्या रीज़न है, आप क्यों इसको यूज़ कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि इस मॉडल को यूज़ करने से कुछ फ़ायदा होगा, तो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो ये करने के बाद जब वहाँ से आउटपुट आने के बाद एक बार फिर से हमारी मीटिंग होती थी 1 आधे घंटे की, जिसमें हम डिस्कस करते थे जो भी फीडबैक क्लाइंट ने दिया गया है हमारे काम के लिए या आगे कुछ जो भी स्टेप्स का परफॉर्म करने हैं उसके लिए। तो जहाँ यहाँ पे हमारा नॉलेज शेयरिंग होता था, एक दूसरे के साथ हम बातचीत करते थे कि ऐसे किया जाएगा ऐसे किया जाएगा और ये काम ये आदमी करेगा ये काम ये आदमी करेगा, कल हम 11 बजे फिर से मिलेंगे। सो दिस इज़ हाउ यूज़ टू हैपन इन कंपनी लाइक फ्रैक्टल, आई मीन इट हैपन सेम वे इन ऑलमोस्ट एनी कंपनी। तो अंदर जाने के बाद अब अगले 11 बजे मान के चलिए हमने पिछले कल कुछ काम किया था यूनिवेरिएट एनालिसिस के बारे में, तो 11 बजे फिर से हमारी इंटरनल डिस्कशन होता है। इंटरनल डिस्कशन जो टीम में जो भी मेम्बर्स होते हैं, डेटा एनालिस्ट डेटा साइंटिस्ट या मैनेजर जो भी है, डेटा जूनियर डेटा साइंटिस्ट, तो ये सब के बीच में या कंसल्टेंट, इन सब के बीच में डिस्कशन होता है टाइमलाइन को लेके और काम को लेके कि कौन से कितने किस आदमी ने कितना काम किया है, कौन से स्टेप पे हैं हम। जैसे एग्रीमेंट हो गए कि वी आर गुड टू गो, कल हम जो है ये बताएंगे क्लाइंट के पास कि हमने इतना जो है प्रोग्रेस दिया है। क्लाइंट डेफिनेटली विल कम बैक एंड दे विल आस्क कि आपने पिछले कल से आज तक क्या प्रोग्रेस किया है, क्या किया है। सिंस क्लाइंट इज़ द अल्टीमेट पर्सन जो कि आपको पेमेंट करता है एज अ, अगर आप खासकर जब आप सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे होते हो तो डेफिनेटली क्लाइंट को जानना है कितना आपने किया और एक दिन में आप बेस्ट तो नहीं कर रहे हो या सॉर्ट ऑफ थिंग्स ही वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रोग्रेस कितना रहा है, आपने कितना काम किया, यू हैव टू एक्सप्लेन। अब यहाँ पे इस डिस्कशन के टाइम पे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कम्युनिकेशन, अटेंशन टू डिटेल्स एंड क्वेश्चन आंसरिंग थिंग। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जो कि आपको एक ग्रेट क्लाइंट वैल्यू विनिंग पर्सन बना सकती है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको होनी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ से जो भी क्लाइंट के द्वारा फीडबैक दी गई हो या जो भी इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स होते हैं उसको आप वापस लेके उस पर काम करते हो, देन अगेन सेम प्रोसेस होता है कि अगले 11 बजे मतलब सम टाइम, बट इन केस इन माई केस इट वॉज 11 बजे, तो 11 बजे आप डिस्कस करते हो कि ये ऐसे ऐसे हमें ये इम्प्रूवमेंट करना है। सेम वे इट यूज़ टू हैपन फॉर मी, वंस इट हैपन देन 2 बजे 3 बजे तक अपना अपना कुछ काम करते हैं, मान के चलिए शाम के 6 बजे 7 बजे तक ऐसा कुछ रहता था। अगर कंपनीज लाइक नियोस्टेट्स, अब ये था एक कंपनी जो फ्रैक्टल की बात बता रहे हैं, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी टाइम फ्लेक्सिंग इट वॉज वर्क फ्रॉम होम, तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत ही ज़्यादा छूट दे के रखी थी मेरे केसेस में। हाउएवर मैं ये इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि दिस इज़ वॉट फ्रैक्टल इज, फ्रैक्टल डेफिनेटली रनस बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड टाइमिंग्स सो विच पीपल फॉलो एंड विच आइडियली एवरीबडी शुड फॉलो। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू फ्रैक्टल कि उन्होंने मुझे मतलब ज़्यादा यू नो दे नेवर यूज टू बॉदर टू मच कि हर एक घंटे में रिपोर्ट चाहिए। आई यूज टू वर्क हार्ड, आई यूज टू वर्क टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई यूज टू वर्क फॉर द 11 to 12 hours, बट आई यूज टू फील सो हैप्पी बिकॉज सुबह से शाम तक जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है तो आपको अच्छा लगता है काम करने में भी, और जब आपको टीम सपोर्टिव मिलती है दे अंडरस्टैंड कि अगर सुनील ने आज कुछ अचीव नहीं किया है तो डेफिनेटली इज गोना अचीव बाय टुमारो, सो दे यूज टू अंडरस्टैंड यू एंड यूज टू गिव यू टाइम ऑफ वन डे एटलीस्ट समथिंग लाइक दैट, नॉट ऑलवेज बट सम टाइम डिपेंडिंग अपॉन इफ ही और शी हैज नॉट इज नॉट रेडी विद द डिलीवरेबल्स, राइट। तो ये था मेरा फ्रैक्टल का एक्सपीरियंस वंस आई जॉइंड नियोस्टेट्स एनालिटिक्स। आई ओनली वर्क फॉर 2 months बिकॉज आई वॉज सिक एंड आई हैड टू टेक लीव। सो तो यहाँ पे मैंने बैंकिंग के डोमेन में काम किया, तो यहाँ का जो टाइमिंग थी स्ट्रिक्ट टाइमिंग थी, वी हैव टू लॉग इन बाई 9:30 एंड बी लीव्स बाई 6:30 एट नियोस्टेट। तो जैसे लॉग इन करते 9:30 10 बजे तक क्या होता था कि आपको थोड़ा आधा घंटा इनिशियल टाइम मिलता है व्हेन यू कीप्स ऑन वर्किंग ऑन योर प्रीवियस टास्क, राइट। सो नाउ यहाँ पे एक मीटिंग होती थी, जैसे कि मेरे साथ काम जो कर रहे थे वो हेड ऑफ AI जो थे उस टाइम पे नियोस्टेट्स पे, तो वो काम कर रहे थे मेरे साथ, वी वर ओनली 2 people वर्किंग फॉर अ क्लाइंट। सो हमारा क्या होता था, पहले हमारा यहाँ पे डिस्कशन होता था व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू, व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू आस्क, एंड दिस इज समथिंग अवर प्लान वी गोइंग टू शेयर विद द क्लाइंट। सो वी यूज टू हैव देन बाई 1 o'clock वी यूज टू हैव मीटिंग विद द क्लाइंट, दुबई बेस्ड क्लाइंट, बेसिकली अ बैंक। सो दे यूज टू एक्सप्लेन देयर पेन पॉइंट एंड दे यूज टू टेल द एग्जिस्टेंस। ये बिगनिंग से था, ये जो भी हो रहा था ये सारा एकदम बिगनिंग से था, तो ये बिगनिंग से हो रहा था इसलिए POC इसके लिए प्रपोज करनी थी। POC प्रपोज करने से पहले हमें प्रेजेंट की सिचुएशन, एक तीन टर्म होती है डेटा साइंस में, यू नो डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। मतलब कि प्रेजेंट प्रॉब्लम को समझो पहले, चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, उसको विजुलाइज करो, अगर कुछ प्रॉब्लम सच में है तो पिन पॉइंट करो, उसको निकालो, उसके बाद उसके बेसिस पे डिस्क्राइब प्रिडिक्ट करो कि अगर ऐसे ही होता रहा तो क्या हो सकता है, अगले 1 साल तक क्या होता रहेगा, अगले 2 साल तक क्या होता रहेगा, है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसको चेंज करने के लिए जो आप प्लान देने वाले हो, मान के चलिए अगर ऐसा रहा तो ऐसा हो जाएगा भाई, अगर ऐसा रहा तो ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा ना होता रहे या वैसा ना होता रहे उसके लिए आप दवाई दे रहे हो, मान के चलिए एक हिसाब से कि आपको ये है, वो दवाई को बोला जाता है डेटा साइंस में रिकमेंडेशंस और दैट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस विच एक्सप्लेन्स कि ये ऐसा इतना इसमें ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसके लिए भाई ये करना पड़ेगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा, तब जाके ये जो है कहीं ठीक आ जाएगा, विच इज़ काइंड ऑफ अ डिसीजन मेकिंग स्टेप टू द क्लाइंट विच बी गिव्स एज अ रिकमेंडेशन कि आपको ये करना है, आपकी प्रॉब्लम ये चल रही है बिजनेस में, तो यू शुड डू डेफिनेटली दिस। सो दिस यूज टू हैपन एवरी सेम वे, क्लाइंट मीटिंग हमारी एवरी 3rd day होती थी एक हफ्ते में, तो फॉर द 1 hour वेयर वी यूज टू डिस्कस सेम वे एनी चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग इन टर्म ऑफ द डेटाबेस कनेक्टिविटी, एनी चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग इन टर्म ऑफ एनीथिंग, एंड ऑल्सो वॉट इज द प्रोग्रेस दैट शेयरिंग दैट प्रोग्रेस विद द क्लाइंट, और वो उस प्रोग्रेस को क्लाइंट के साथ शेयर करना कि यहाँ तक हमने ये किया है, आपका को क्या लगता है, इज इट मेकिंग सेंस और नॉट। सो वी विल आस्क देम, इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड वी विल चेंज द प्लान, इफ दे आर सेटिस्फाइड वी विल गो अहेड, वी विल अगेन कमिट सम टाइम एंड विल से बाय दिस प्रोबेबली वी विल बी हैविंग अनदर सोल्यूशन, राइट लाइक दैट, इट गोज लाइक दैट इन अ टाइम सीरीज, राइट। सो ये और हेयर ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको रिमेंबर करना है वाइल यू आर वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट, आपको जो याद रखने की ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ वेरी मस्ट, अटेंशन टू डिटेल इज़ वेरी मस्ट, क्वेश्चन आंसरिंग इज़ वेरी मस्ट, अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम एटलीस्ट या इज़ वेरी मस्ट, एंड असाइनिंग डिफाइनिंग योर गोल्स कि अगले 2 दिन में मुझे क्या करना है,
वॉट आई शुड डू, यू शुड फर्स्ट असाइन अ टाइम लाइन टू योर सेल्फ, शुड नेवर डिपेंड अपॉन द कंपनी की कंपनी ने मुझे 2 दिन दिया है तो आराम से करूँगा. नेवर नेवर डू दिस दिस मिस्टेक. आई वॉज डूइंग दिस मिस्टेक एंड बिकॉज यू नो दिस आई फेल्ट इज समथिंग वेरी रॉन्ग. यू शुड नॉट, यू शुड सेट टाइम लाइन इन योर माइंड. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 मिनट दिया है तो आप बोलो कि मुझे 2 मिनट या 3 मिनट में ये करना है, ये मेरा है. अपने आप को पहले खुद प्रेशर दो, तब जाके वो कहीं 7, 8 या 9 मिनट तक जो है पूरा हो जाएगा. ठीक है. और ये परकिंसंस लॉ भी कहता है कि जो टाइम आप 10 मान के चलते हो तो आप 10 ही मिनट लगाएंगे उसके लिए. तो हो सकता है अगर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है, आपकी जो कैलकुलेशन आपने की है टाइम की वो सही नहीं जाए, बट एटलीस्ट वो गलत भी नहीं जाएगी. एटलीस्ट 9 और 8 मिनट के पास पास यू विल डेफिनेटली फिनिश दोज काइंड ऑफ. दिस आर माई सजेशंस बींग अ डेटा साइंटिस्ट टू दोज पीपल हु आर लुकिंग टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट एंड हु आर यू नो इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड कि क्या फील होता है, हाउ इट इज़ लाइक टू बी वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट. जब आदमी काम करता है तो रियल टाइम पे क्या होता है, एंड रियल टाइम पे डेफिनेटली डेटा मे नॉट बी सो ईजी. डेटों को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, एंड दिस सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस विल बिकम सो गुड व्हेन यू आर एक्चुअली वर्क विद दिस सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस, देन इट बिकम्स रियली गुड. सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द जर्नी ऑफ डेटा साइंटिस्ट. जब आप काम करते हो तो हाउ इट इज़. आई होप आपको ये सब जो भी मैंने बताया ये आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा हो तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. दैट्स ऑल.